हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। कल मैंने आप सभी को छत्तीसगढ़ आईटीआई अनुदेशक भर्ती के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि फुल नोटिफिकेशन आने पे भी मैं आप लोगों को जरूर वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। तो फाइनली विभाग की ओर से फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। आईटीआई सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। गाइस, बहुत सारे राज्यों में जो आईटी कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ पर उनको अनुदेशक कहा जाता है और बहुत सारे राज्यों में प्रशिक्षण अधिकारी के नाम से जाना जाता है, ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो अनुदेशक होते हैं उनको प्रशिक्षण अधिकारी के नाम से जाना जाता है। गाइस, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पहले इसमें जान लीजिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स। ये आज से फॉर्म शुरू हो गया है 8 मई से और इसका लास्ट डेट है 28 मई 2023 तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग ट्रेडों के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कल ही बता दिया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ICTSM में एक पोस्ट है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में एक है। इलेक्ट्रीशियन में 51 है, कोपा में 86 पोस्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे कारपेंटर में 2 है, टर्नर में 6 पोस्ट है, ड्राइवर का मैकेनिक में 6 पोस्ट है, डंपर मैकेनिकल में 1 है, फिटर में 48 है, मशीनिस्ट में 4 पोस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर में 1 है, मेसन में 1 पोस्ट है, उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक में 2 पोस्ट है। गाइज, वहीं पे देखिएगा मैकेनिक डीजल में 32 पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 5 पोस्ट है, RNAC में 2 पोस्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग में 72 पोस्ट है, वायरमैन में 2 पोस्ट है, वेल्डर में 3 पोस्ट है, सीट मीटर वर्कर में यहाँ पे 1 पोस्ट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी में 2 पोस्ट है, सिविंग टेक्नोलॉजी में 6 है, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग में 2 पोस्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 3 पोस्ट है। कुल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो आप लोग का है यहाँ पे कुल 366 पद है और मैक्सिमम ट्रेडों को मौका मिला है। लगभग 22 से 23 ट्रेड है जिनको यहाँ पे मौका मिला है फॉर्म भरने के लिए। ये तो हो गया नंबर ऑफ वैकेंसी और ट्रेडों के अनुसार। तो यहाँ पे ये बात जान लीजिए, इस वाले वैकेंसी में छत्तीसगढ़ राज्य का आप लोग का मूल या अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है और इसके लिए आप लोग को यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी आप लोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यहाँ पे आप लोग जो फॉर्म भरेंगे। तो गाइस, अलग राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के निवासी है, छत्तीसगढ़ राज्य के, उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में आईटीआई होल्डर हो या बीटेक होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर हो, तीनों को मौका दिया गया है। तो यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। तो जो कैंडिडेट आईटीआई होल्डर है, जिनका आईटीआई पास है, उनको यहाँ पे आईटीआई के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर है और उनको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और जो कैंडिडेट बीटेक होल्डर है, जिनका बीटेक है, डिग्री है, उनका यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा, साथ में साथ आप लोग का 10वीं पास रहना चाहिए। और यहाँ पे इस वाले वैकेंसी में CITS मैंडेटरी नहीं है, जो भारत सरकार के द्वारा कराया जाता है, लेकिन जो कैंडिडेट CITS किए हुए उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, यानी कि उनको 10 मार्क्स जो है आप लोग का अतिरिक्त यहाँ पे अंक दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे CITS मैंडेटरी नहीं है, ये बात आप लोग को ध्यान देना है। बहुत सारे राज्यों में मैंडेटरी है, जैसे कि यूपी में निकला था वहाँ पर भी मैंडेटरी था, झारखंड में हो वहाँ पे मैंडेटरी था, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट हुआ था तो वहाँ पे मैंडेटरी नहीं था, वहाँ पे तो कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप लोग अगर आप लोग CITS किए हैं तो आप लोग को 10 मार्क्स आप लोग को अंक दिया जाएगा, एक्स्ट्रा जो आप लोग का है वो दिया जाएगा, 10 मार्क्स आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये है यहाँ पर डिप्लोमा, डिग्री और बीटेक और यहाँ पर IT होल्डर तीनों अप्लाई करेंगे। और एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट मैं पहले बता ही दिया हूँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईटी वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का लगेगा और बीटेक वालों के लिए 1 साल लगेगा। CITS यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, CITS का अगर आप लोग के पास में है तो 10 मार्क्स आप लोग को जरूर मिलेगा, आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। और सभी पोस्ट में यहाँ पर जो जो है ट्रेड है उस ट्रेड में आप लोग का रहना चाहिए, यहाँ पर जो भी आप लोग का टेक्निकल डिग्री है वो। और यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, मैं आप लोग को दिखा दूंगा।
तो सभी ट्रेडों के लिए यही क्वालिफिकेशन है। आप सभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, आईटी एजुकेशन वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत ही ग्रेट सैलरी है, लेवल देखिएगा तो लेवल 8 का सैलरी है 35,400 से 112,400 रुपया। स्टार्टिंग तौर पर आप लोग का यहाँ पे 3 साल के लिए परिवीक्षा पर मतलब रहेगा, यानी प्रोविजन बोल सकते हैं, हर विभाग में ये चीज़ होता है। और फर्स्ट ईयर मतलब आप लोग को देगा वेतनमान न्यूनतम 70%, यानी पद के वेतनमान का न्यूनतम 70%, इसका 70% मिलेगा ये सैलरी का। उसके बाद द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% मिलेगा। स्टाइपेंड के साथ में आप लोग को अन्य भत्ते भी आप लोग को प्राप्त होंगे। और जब आप लोग का 3 साल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ये परिवीक्षा अवधि, तो आप लोग रेगुलर हो जाएंगे। ऑलरेडी ये रेगुलर ही जॉब है, हर विभाग में ये चीज़ रहता ही है, कहीं पर 2 साल रहता है, कहीं पर 1 साल रहता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ये आप लोग का रेगुलर जॉब है। स्टार्टिंग तौर पर आप लोग को थोड़ा सैलरी कम मिलेगा, लेकिन जब 3 साल कंप्लीट होगा तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 40 साल है, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल रहना चाहिए। और एज में छूट मिला करके आप लोग का यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं, ये फॉर्म ऑनलाइन भरना का है। और चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो आप लोग का एग्जाम के आधार पे होगा चयन प्रक्रिया, उसके लिए एक अलग से स्पेशल सिलेबस रिलीज किया जाएगा। तो गाइज ये है अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप, यानी कि इसी फॉर्मेट में आप लोग को बनाना है। ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग का लगेगा एक्सपीरियंस, उसी के अनुसार ये आप लोग का यहाँ पे बनाना है। तो इस फॉर्मेट दिया गया है, विभाग की ओर से ही अवेलेबल कराया गया है। तो जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आप सभी आईटी एजुकेशन वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।